हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बच्चे ठीक हो और अपने घर पर ही हो। तो बच्चों, आप अपना काम कंप्लीट कर रहे हो ना? तो कंप्लीट अगर आप अपना काम कर रहे हो तो आप मुझसे कॉपीज भी चेक करवा लीजिए, ताकि आपकी कॉपी चेक होती रहे। और बच्चों, आपको जो भी मैसेज भेजा जाता है किसी भी बच्चे के लिए, तो उसको भी आपको क्या करना है? फॉलो करना है। अगर मैम ने आपको किसी काम से कुछ भेजा है या इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो प्लीज बच्चे आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, क्योंकि हमें वो आगे भेजनी होती है। ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल EWS वाले बच्चों को भेजनी है ना, इन्फॉर्मेशन भेजनी है उन्हें कि आपका घर का एड्रेस और फोन नंबर वगैरह चेंज तो नहीं हुआ। तो बच्चों, आप या तो मुझे फोन कर लीजिए, मतलब आपके पेरेंट्स मुझे फोन करके बता दें, हाँ, और या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, स्कूल में भी आकर में इनके नाम फिल करने हैं। अब कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है? ध्यान से देखेंगे मैम आपको क्या करवा रही है। सबसे पहले जो पिक्चर है वो मैंने बनाया है अदरक। तो बच्चों, आपने देखा अदरक किस तरह का होता है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है? तो बताओ मैं कैसे बनाऊ? ऐसे ही तो बनाऊंगी अदरक। इस तरह का होता है ना, जिंजर इसको बोलते हैं। अदरक इसे चाय में डालते हैं या पेड़
करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कसरत करना बोलते हैं। ठीक है, न ट ख ट नट खट। बच्चों नटखट क्या होता है? नटखट मीन्स नॉटी। जो बच्चा बहुत शैतान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कि आप नटखट हो। और बच्चे तो सभी शैतान होते हैं, तो यानी आप सभी बच्चे क्या हो? नटखट हो। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा है। ब ज प न, दोबारा से लिख देंगे। ब ज प न, बचपन। अब इन तीनों की पिक्चर्स तो निकल सकती थी, इसीलिए मैंने सीधे सीधे ये वर्ड लिख दिए। ठीक है, तो बचपन क्या होता है स्टूडेंट? जो हमारा चाइल्ड हुड पीरियड होता है, जो हम छोटे होते हैं, छोटे से जो हम बड़े होते हैं, जो उसका टाइम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बचपन। जब हम छोटे थे तो क्या था हमारा? बचपन था। जैसे अभी आपका बचपन है, अभी आप छोटे हो, तो ये जो टाइम बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, वो क्या है? आपका बचपन है। ठीक है, अभी आप अपना बचपन चाइल्ड हुड इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, अभी आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या हो जाओगे? समझदार हो जाओगे। अब जब बच्चे छोटे होते हैं, बचपन में वो क्या होता है? नटखट होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम इन्हें पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, दोबारा से आज बोल रही हूँ, अगर आप स्वर और व्यंजन अच्छे से जानते हैं, आपको अच्छे से आता है, तो आप इन वर्ड्स को इजीली बहुत आराम से पढ़ लोगे। क्योंकि आपको क्या करना है? पहचानने हैं अ द र क। अदरक, मम्मा ये बन गया अदरक, या आप बोल सकते पापा ये अदरक बन गया। मम्मी पापा को घर पे पढ़ के दिखाते हो ना? ठीक है, अब जैसे कि व र ग द, पहले तोड़ तोड़ के पढ़ो, फिर उनको एक संग जोड़ दो। ब र ग द, बर गद, बर गद, तो बन गया बर्गद। ठीक है, धीरे धीरे करके ही आपको आएगा। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है? स्वर और व्यंजन अच्छे से लर्न करने हैं। अगर स्वर और व्यंजन ही अगर आपका बेस ही कमजोर हो जाएगा तो आगे चल के आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि स्वर और व्यंजन याद कीजिए, और बच्चों घर में उनको लिखो भी, लिखा भी करो, प्रैक्टिस भी किया करो। ठीक है, चलिए।
लिख के अपनी कॉपी में करना है। अब आप अपना होमवर्क देखिए। होमवर्क अपना नोट कर लीजिए आज की डेट में। याद करो। तो बच्चों आपको होमवर्क में क्या करना है, चार अक्षर के शब्द लिखने हैं और याद करने हैं। अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप मैम से पूछ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको लिखा साफ अपने करना है, आपके होमवर्क में करना है। होमवर्क में भी आपको क्या लिखना है, चार अक्षर के शब्द ही लिखने हैं। इसके अलावा भी जो वर्ड्स हैं आप वो भी लिख सकते हो। ओके बच्चों।